to note and as well listening to the briefing given by the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Itala Rajendra Saab. Honorable Speaker, sir, so the note says, short discussion on COVID-19, impact of coronavirus in the state and measures taken. So before going on the note or the discussion on the impact and the measures of corona, standing here, sir, when I rise to participate in this discussion, I feel it is my moral responsibility, aur main samajhta hu ki ye mera akhlaqi fariza aur meri zimmedari hai ki main yahan khade hokar wo sare health workers jo 5 mahine se insanon ki jaan ko bachane ke liye apni jaan ko khatre mein dal kar अपने बीवी बच्चों को भुलाकर, अपने बूढ़े मां बाप को भुलाकर, एक बीमार की जान बचाने की जो कोशिश में लगे हैं, मैं यह समझता हूं कि जिस तरीके से एक सरहद पर हमारा फौजी हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, तो वैसे ही 5 महीने से यह कोरोना वॉरियर्स में कहूंगा कि खड़े रहकर कोरोना से लड़ते हुए हमारी जानों को बचाने की कोशिश में लगे हैं, तो मैं मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से उन सारे डॉक्टर्स का, सारे नर्सिंग स्टाफ का, सारे सैनिटेशन स्टाफ का, सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स का, सारे लैब टेक्नीशियंस का, सारे झाड़ू देने वाले या जो भी हैं, और वो जो बरियल ग्राउंड्स में ग्रेव्स खोद रहे थे उनका, क्रेमेटोरियम्स में जो डेड बॉडीज को ले जा रहे थे उनका, मॉर्चरीज में कोरोना से अफेक्टेड डेड बॉडीज को पकड़कर उनके घर वालों को दिए उनका, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम सरहद के फौजियों को सलूट करते हैं, मैं आज ये हेल्थ वर्कर्स और ये जितने कोविड वॉरियर्स हैं इस आह्वान के जरिए उनको सलूट करता हूं। अफसोस, अफसोस, आई एम सॉरी टू से, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन इज देयर इन दिस नोट, नॉट अ सिंगल सेंटेंस कुड द हेल्थ मिनिस्टर गिव फॉर दीज वॉरियर्स। अफसोस, खैर, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, और दिस इज हाउ they think the matter is serious. I leave it for their wisdom and it is for them to decide. Secondly, sir, I stand here and I remember all those people who have lost their life because of this corona. Ek ek ghar mein 4 logon ki maut hui, kai log mare, kai log mutasir hue. Main aaj yahan khade hokar इस ऐवान के जरिए कोरोना में अपने चाहने वालों को, जिन्होंने भी खोया है, मैं उनके अफराद खानदान के साथ अपनी दिल की हमदर्दी का इजहार करता हूं और अपनी तरफ से ताजियत पेश करता हूं। और वो कोरोना वॉरियर्स के लिए भी जो अपनी जान को खोए हैं, हमारे स्टेट में भी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, और मेरे हॉस्पिटल में ओवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लॉस्ट हर लाइफ। आई रिमेंबर ऑल दोज वॉरियर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जो इस लड़ाई में आगे थे, अपनी जान को खोए हैं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र दे। और मैं इस ऐवान की तरफ से भी उनके साथ हूं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में उनके साथ हूं। और फिर उसके साथ साथ
मैं यह समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा भी चीफ मिनिस्टर है। वो सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिए या चीफ मिनिस्टर फंड में जो कोविड में लड़ाई लड़ रहे थे जो पैसा दिए हैं, जो भी दिए हैं, हुकूमत ने उनका शुक्रिया नहीं अदा किया इस नोट में, अफसोस फिर। लेकिन मैं समझता हूं कि यह चीफ मिनिस्टर भी मेरा है, यह प्राइम मिनिस्टर भी मेरे मुल्क का है, तो मैं उन सारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वो अलग बात है कि नहीं मालूम वो कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ऑडिटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगी, वो अलग बहस है। लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी व फर्ज समझता हूं, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं हर उस फर्द का। एट द सेम टाइम सर, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द एनजीओस एंड ऑल द इंडिविजुअल्स हु केम फॉरवर्ड इन द लॉकडाउन पीरियड एंड हु वर हेल्पिंग द नीडी एंड द वंस हु वर हंग्री, जो दाने दाने को तड़प रहे थे उनकी जिन्होंने भी मदद की है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ ने या किसी फर्द ने अपने जेब से एक भूखे के पेट में एक दाना भी डाला है, तो मैं समझता हूं कि यहां खड़े रहकर मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अफसोस इस नोट में उनको भी जगह नहीं मिली, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यह बात जरूर कहूंगा कि मैं मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 5.5 करोड़ रुपए का राशन मैंने तकसीम किया, 1 लाख फूड पैकेट्स दिया, 1 लाख राशन के किट्स दिए हमने। मैं सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, मेरे पार्टी के एमएलए कोरोना शुरू हुए से लेकर आज तक फील्ड में थे, और मेरा एक पार्टी का एमएलए को हार्ट अटैक हुआ, मौजम खान को स्टंट डालना पड़ा, लेकिन आवाम के दरमियान थे, आवाम के बीच में थे, उनकी दुख में थे, उनकी तकलीफ में थे, उनकी मुसीबत में थे, और हमने काम किया। मैं उन सब का करूंगा, एक एक मेरे पार्टी के एमएलए फील्ड पर थे। मौजम खान इंफेक्टेड हुए, बलाला इंफेक्टेड हुए, अहमद पाशा खादरी इंफेक्टेड हुए, सब हुए, लेकिन फील्ड को नहीं छोड़े। और वैसे जितने लोग मेरे दूसरे कोलीग्स, टीआरएस के एमएलए हो, कांग्रेस के एमएलए हो, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के थे, जो आगे बढ़कर फील्ड में काम किए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वी हैव बीन देयर फॉर द पीपल, विद द पीपल इन दिस सिचुएशन, और ऐसे हालात में यह काबिले मुबारकबाद है। और उसके साथ ही साथ सर, व्हेन आई कम डाउन टू दिस नोट सर, द हेडलाइंस शॉर्ट डिस्कशन, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट एंड मेजर्स, सर इसमें मेजर्स के बारे में है, एंड दिस सीम्स टू बी मोर लाइक अ हेल्थ बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन हैज बीन इश्यूड, व्हाट इंपैक्ट दिस हैज लेफ्ट हैज नॉट बीन मेंशन्ड, हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द इकॉनमी, हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड सोशली, हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द बिजनेसेस, हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन, हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द एजुकेशन, हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द इंडस्ट्रीज, has the corona not impacted the agriculture, has the corona not impacted on the state finances, has the corona not impacted on all sections of society, has the corona not had an impact on all aspects of life? I am so sad to say nothing of that has been mentioned in this, nothing has been said. Why so much of unseriousness, sir? When I go through this, when I see all relief measures have been, what are the relief measures? That also has not been mentioned. You have given ration, why didn't you mention that? You have given relief to the migrant workers, why didn't you mention that? You have organized trains for the migrant workers, why didn't you mention in this? You have given money, why didn't you mention in this? I am so sad and sorry to say, I don't know who's looking after the affairs. We have to look upon this. CM, through you, sir,
I appeal to the member, the health minister sought that the information is enough for the house. ये सारे महाभारत जो पूछ रहे, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं, ये तो रोज अखबारों में आता है, रोज चलता है. सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए प्लीज, नहीं आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ ना भाई, आई एम ओनली आई एम सी. अब जो इम्पैक्टेड इम्पैक्टेड बोले तो कौन नहीं करता जी, कोई कौन नहीं. ऐसा है, ऐसा है, इतना ऊंचा आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं आवाज ऊंचे क्यों कर रहे हैं? अलग बात है भाई, अलग बात है भाई, अलग बात है. नहीं नहीं बैठ, स्पीकर सर जो पूछ रहे हैं उनको डिटेल चाहिए. ऑनरेबल मेंबर विल गेट द इंफॉर्मेशन प्लीज. गवर्नमेंट विल सप्लाई द इंफॉर्मेशन प्लीज 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 प्लीज. अध्यक्ष इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हम भिजा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये क्यों नहीं कहे, वो क्यों नहीं कहे, वी थॉट जो हेल्थ का मामला है सीरियस है, वो इन्फॉर्मेशन दिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या स्टेप्स लिए सरकार, क्या दवा दिया, क्या इंतजाम करे, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी. इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे हुआ, पूरे देश पे हुआ, रियासत पे हुआ, कहाँ नहीं हुआ, हर चीज़ पे हुआ. पूरे तालीमी इदारा बंद है, मेट्रो रेल बंद है, ये पूरा उसमें लिखने का, इसको पूरा अगर लिखते वो 200 पेज का बन जाता. इसीलिए मैं महाभारत कहा उसको, मेरा कोई बुरा उद्देश्य नहीं है. वो अगर चीज़ें आपको चाहिए डेफिनेटली आपको दे देंगे, इसमें कोई बात नहीं है. द ऑनरेबल मेंबर वांट दैट दोस डिटेल्स विल बी सप्लाइड. बट ऐसा कि गवर्नमेंट फेल हो रहा है ऐसा नहीं कहना चाहिए. नहीं सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए, आप ही बोल रहे तो हम भी बोल रहे हैं ना भाई, आप जो बोले हम भी बोल रहे. स्पीकर सर इट्स अवर ड्यूटी. सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले आप सुन लिए ना, हम भी सब ठीक है, हमें भी अफसोस है इस बात का कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हमने हेल्थ वर्कर्स को इंसेंटिव दिया, ग्राम पंचायत वर्कर को इंसेंटिव दिया, म्यूनिसिपल वर्कर को इंसेंटिव दिया, सैलरी उनके बढ़ा के दे रहे, उनके हिम्मत अफजाई किया. ये सारे कदम हम उठाए. ऐसा है कि हम कुछ करे भी नहीं बोलने के मीनिंग इसमें से आ जाएगा. इसलिए मैं कहता हूं इफ द मेंबर वांट दो डिटेल्स ऑल द स्टेप्स टेकन इन अदर फ्रंट्स. काफी कुछ हमने किया है. मेंबर खुद कह रहे हैं सर कि आपने पैसे दिया, आपने राशन दिया, आपने माइग्रेंट वर्कर्स को दिया. हम जरूरी इसमें देना करके नहीं समझे, जो क्या दिया दुनिया जानता है, वो तो ऑडिट में है, बजटेड मनी है, उसका डिटेल हम जब जरूरत पड़े तो दे देंगे. अगर चाहिए मेंबर को तो पूछना चाहिए. लेकिन इस बात पे अफसोस इजहार करना, ये करना, ये ठीक बात नहीं है. मेंबर जो कहना चाहे कहे, वो उनका इंडिपेंडेंस है, वो कह सकते हैं उनके अपने अलाटेड वक्त में बाजबता कहे, हमको एतराज नहीं है. लेकिन एज इफ इफ यू ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एज इफ इट्स अ गवर्नमेंट फेल्यूर, दैट इज वेयर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. ऑनरेबल स्पीकर सर, अब कंक्लूड कर दो सर. आई हैव नेवर मेंशन्ड अबाउट द फेलियर्स और एनीथिंग. I just said the achievement which has been made by the government do not find a place over here. I do not understand why Honorable Chief Minister Saab is reacting and getting so angry when I saluted the health workers. I don't know why is he getting so angry over me and saying Mahabharat when I'm saluting the doctors, when I'm saluting the nurses, please, when I'm saluting the lab technicians. Please, am I wrong? Speaker sir, if he is trying to play to the galleries, Mr. Akbaruddin Owaisi is very intelligently trying to play to the galleries. Who is angry? You salute the doctors, we did not object. Who objected? Who objected? No, who said no? No, don't think that we are, as if you are only saluting. We have saluted much earlier, we have shared the sympathies. ये शेयर द सारोस, वी डिड ऑल दैट. ऐसा नहीं है कि हम ये तोड़ मरोड़ के बोलने की बात ठीक नहीं है सर. दिस इज नॉट द वे. सर गोइंग फर्दर अहेड सर,
कंक्लूड करिए साहब। कंक्लूड करूं सर? थोड़ा टाइम। सर आई वाज सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स।